संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कथित तौर पर सीरिया में असद शासन को इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में शामिल न होने की चेतावनी दी है। अबू धाबी ने भी दमिश्क को अपनी धरती से इसराइल के खिलाफ किसी भी हमले की अनुमति नहीं देने की चेतावनी दी है। दरअसल सीरिया की सरकार अपने ईरान के इशारे पर चल रही है और इसी को देखते हुए यूएई ने ये चेतावनी दी है। और वहीं बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है। अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्ला समेत दूसरे संगठन या देशों को इस युद्ध में शामिल होने से रोका जाए। यूएई की धरती से किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं होने देंगे। इसराइल पर हमारी जमीन से हमला नहीं होगा, ये यूएई का रिएक्शन आ चुका है सामने। असद शासन को यूएई की बड़ी चेतावनी, यूएई की धरती से किसी भी तरह का कोई हमला नहीं होने दिया जाएगा। तो वॉर जोन में सबसे पहले जी न्यूज पहुंचा है, जी न्यूज संवाददाता लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशाल पांडे, जिसे कहा जाए कि जोखिम लेकर पहुंचे हुए हैं, गाजा से कुछ ही दूर पर वो मौजूद है और ये तस्वीरें भयावह हैं। जिस तरीके से चार दिन के अंदर ये युद्ध जो है वो कुछ और ही शक्ल अख्तियार कर चुका है। और इसराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है। कई देशों में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंदन में इसराइल के हमले का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने हमास के समर्थन में नारे लगाए हैं। वहीं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में लोगों ने प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी गाजा पर इसराइल के हमले का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा मैड्रिड के सेंट्रल सोल स्क्वायर में फिलिस्तीन लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए इस ये युद्ध नहीं नरसंहार है जैसे नारे भी लगाए। तो लंदन, न्यूयॉर्क और स्पेन से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। इसराइल के हमले का विरोध किया जा रहा है, हमास का समर्थन हो रहा है। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया गया, स्पेन में भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारेबाजी की गई। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, किस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो दो खेमों में बट गई है। कुछ लोग हैं वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हमास का साथ देने के लिए ईरान जैसे देश सामने आए हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये एक बड़ी जीत हमास को मिली है। हालांकि इसराइल ने यह दावा किया है कि हमास को इस बार हमले में पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी न्यूज़।